हेलो एवरीवन, आज मैं बनाने वाली हूँ मिनी मलाई घेवर। आपका भी मन है अगर घेवर खाने का और आपके पास अगर टाइम कम है तो आप इस तरीके से झटपट से 10 से 15 मिनट में ये झटपट इंस्टेंट घेवर बना सकते हैं। और इसके लिए ना हमें सांचे की ज़रूरत पड़ेगी, ना ही इसके लिए हमें बैटर वगैरह बनाना है। बहुत ही झटपट से इंस्टेंटली ये घेवर हम बना कर तैयार कर सकते हैं और बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। तो आइए बिना देरी के शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम घेवर के लिए बनाएंगे चीनी की चाशनी। तो यहाँ पे मैंने एक कप चीनी ले ली है, इसमें हम डालेंगे आधा कप पानी, मतलब जितना चीनी उसका आधा पानी डालना है। और इसमें एक छोटी इलायची को तोड़कर डाल देंगे फ्लेवर के लिए। और अब मीडियम फ्लेम पर इसको चलाते हुए पकाएंगे जब तक कि चीनी हमारी घुल ना जाए और चीनी की चाशनी में उबाल ना आ जाए। इसमें हमें एक तार या दो तार की चाशनी नहीं बनानी है, बस आप इस तरीके से चीनी को घुलने तक पका लीजिए, चाशनी तैयार हो जाएगी। तो ये देखिए चीनी पूरी हमारी घुल गई है और अच्छे से उबाल आ गया है चाशनी में। तो बस चाशनी तैयार है, इसको फ्लेम से उतार कर साइड में रख लेंगे। और अब हम तैयार कर लेंगे इसके लिए मलाई या रबड़ी। तो इसके लिए एक पैन में हम यहाँ पर लेंगे 1.5 कप दूध, कोई सा भी दूध जो भी आपके पास है वो ले सकते हैं। और अब हम इसमें ऐड करेंगे गेट्स का रबड़ी मिक्स, ये बाज़ार में आसानी से मिल जाता है। और इसमें और कुछ भी आपको ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, बस दूध में ये रबड़ी मिक्स डाल देना है और हमारी रबड़ी तैयार हो जाएगी। तो ये देखिए एक पैकेट का पूरा कंटेंट मैंने दूध में डाल दिया है और इसको अच्छे से मिला लेंगे। ये देखिए सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो गई है दूध में। अब मीडियम फ्लेम पर इसको हम चलाते हुए 5 से 8 मिनट के लिए पकाएंगे जब तक कि ये रबड़ी गाढ़ी ना हो जाए। तो ये देखिए इस तरीके से चलाते जाएंगे, फ्लेम हम मीडियम रखेंगे, लगातार चलाएंगे नहीं तो ये जो दूध है ये नीचे से जलने लगेगा। तो ये देखिए धीरे धीरे ये जो मिक्सचर है ये गाढ़ा होना शुरू हो जाएगा और इसको 5 से 8 मिनट तक हम इसी तरह पकाएंगे। और इसमें कोई भी आर्टिफिशियल फ्लेवर या कलर नहीं ऐड किया गया है और इसमें ड्राई फ्रूट्स भी आपको ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, इसमें ऑलरेडी सब कुछ एडेड है, चीनी भी इसमें डला हुआ है। तो आप देख सकते हैं इसको पकाते हुए मुझे 8 मिनट हो चुके हैं और ये एकदम गाढ़ी सी मलाईदार रबड़ी तैयार हो गई है हमारी। ये देखिए कितनी अच्छी सी कंसिस्टेंसी आई है इसकी। इसको हम और ज़्यादा गाढ़ा नहीं करेंगे क्योंकि जब ये ठंडी होगी ना तो ये थोड़ी गाढ़ी हो जाएगी। तो अब हम गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे। तो अब हम इसको रख देते हैं ठंडा होने के लिए। हमारी चाशनी और रबड़ी तो हो गई है तैयार। तो आइए अब हम तैयार कर लेते हैं घेवर। घेवर बनाने के लिए मैंने यहाँ पर ब्राउन ब्रेड का इस्तेमाल किया है। तो यहाँ पे मैंने 5 ब्राउन ब्रेड लिए हैं, आप चाहें तो वाइट वाला स्लाइस ब्रेड भी ले सकते हैं। तो ये देखिए एक एक करके अब हम क्या करेंगे, इस तरह की कटोरी से ऐसे इसमें गोल आकार में हम ब्रेड को कट कर लेंगे। और ये जो ब्रेड हमारा साइड वाला बच गया इसको फेंकेंगे नहीं, इसको हम रख देंगे, इसका क्रम बनाकर हम टिक्की वगैरह में यूज़ कर लेंगे। और ये देखिए इसको घेवर का शेप देने के लिए इसके बीच में भी हम इस तरीके से कट लगाएंगे। आपके पास अगर किसी बॉटल का ढक्कन है उससे भी आप कर सकते हैं, पाइपिंग नॉजल जो होता है उससे मैंने बीच में इस तरीके से होल बना लिया है। तो आप देख सकते हैं घेवर का शेप हमारा तैयार हो गया है। तो इसी तरीके से सारे स्लाइस ब्रेड के मैं घेवर तैयार कर लूँगी। ये देखिए मैं यहाँ पर आपको 5 घेवर बनाकर दिखा रही हूँ, आपको जितने घेवर बनाने हैं आप उसी हिसाब से ब्रेड ले सकते हैं। तो ये देखिए ब्रेड मैंने तैयार करके रख लिए हैं, अब हम इन्हें फ्राई करेंगे। तो फ्राई करने के लिए मैंने यहाँ पे ऑयल गरम कर लिया है, ऑयल जब अच्छे से गरम हो जाए तो एक एक करके ब्रेड को फ्राई कर लेंगे। तो ये देखिए एक ब्रेड को मैंने डाल दिया है और अब मीडियम फ्लेम पर इसको फ्राई कर लेंगे। इसे फ्राई होने में ज़्यादा देर नहीं लगता है, बस तुरंत डालिए और ये बस क्रिस्पी हो जाते हैं। तो ये देखिए जब ब्रेड हमारा क्रिस्पी हो जाए और लाइट ब्राउन कलर का हो जाए तो इसको हम निकाल लेंगे, बस कुछ सेकेंड लगते हैं इसको फ्राई होने में। इसी तरीके से हम सारे ब्रेड को फ्राई कर लेंगे। तो देखा ना दोस्तों आपने, इसके लिए ना हमें सांचे की ज़रूरत है, ना हमें इसमें घंटों बैटर डालना है और ये तुरंत से फ्राई हो जाते हैं और झटपट हमारा घेवर बनकर तैयार हो जाता है। तो ये देखिए तेल अच्छे से गर्म होना चाहिए, अगर तेल कम गर्म होगा तो ब्रेड बहुत ज़्यादा तेल एब्जॉर्ब कर लेगा। आप चाहें तो यहाँ पर तेल की जगह घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उससे टेस्ट बहुत ही बढ़िया आता है घेवर का। तो ये देखिए इस तरीके से मैंने यहाँ पे ब्रेड को फ्राई कर लिया है, आप देख सकते हैं कितना अच्छा इसका जालीदार टेक्सचर लग रहा है, लग रहा है ना एकदम जो पारंपरिक घेवर बनता है बिल्कुल उसी की तरह। तो है ना दोस्तों बहुत ही आसान सा तरीका। तो ये देखिए हमारा घेवर बनकर तैयार हो गया है। तो आइए अब हम घेवर की असेंबलिंग कर लेते हैं। तो घेवर को मैं एक बड़े प्लेट में रख लूँगी और अब ये देखिए हमारी जो चाशनी है ये गर्म है, तो गर्म गर्म चाशनी हम इस ब्रेड के ऊपर डाल देंगे, जो घेवर है अच्छे से चाशनी को एब्जॉर्ब कर लेगा। चाशनी डालने के बाद अब हम इसके ऊपर डाल देंगे
रबड़ी। तो ये देखिए रबड़ी भी हमारी ठंडी हो गई है। ये देखिए कितनी मलाईदार रबड़ी हमारी बनकर तैयार हो गई है। आप देख सकते हैं ये कितनी गाढ़ी भी हो गई है। बहुत ही बढ़िया टेस्टी ही रबड़ी बनकर हमारी तैयार हुई है। तो आइए रबड़ी को हम घेवर के ऊपर डाल देते हैं। तो इस तरीके से रबड़ी हम डाल देंगे घेवर के ऊपर। देखने में लग रही है ना बहुत ही मज़ेदार। तो ये देखिए इस तरीके से एक एक करके हम सारे घेवर के ऊपर रबड़ी डाल देंगे। अब है इसको सजाने की बारी। तो आइए इसको सजाने के लिए इसके ऊपर हम डाल देंगे कुछ कटे हुए बादाम और पिस्ता। तो ये देखिए सबसे पहले हम कटा हुआ बादाम इसके ऊपर ऐड करेंगे और अब थोड़ा सा पिस्ता इसके ऊपर डाल देते हैं बारीक कटा हुआ, और थोड़ी सी बारीक कटी हुई चेरीज़ मैं डाल रही हूँ इसके ऊपर क्योंकि इससे ये देखने में और भी सुंदर लगने लगता है। तो ये देखिए दोस्तों तैयार है हमारा मिनी मलाई घेवर। बहुत ही बढ़िया बना है और इतनी अच्छी खुशबू आ रही है ना, मन कर रहा है एक उठाकर खा लूँ। बहुत ही बढ़िया बनी है। तो दोस्तों जब भी आपका घेवर खाने का मन हो तो इसे इंस्टेंटली 10 से 15 मिनट में आप बना सकते हैं। और आपने तो देख ही लिया, इसके लिए ज़्यादा चीज़ों की भी ज़रूरत नहीं है। बहुत ही टेस्टी बनता है और आने वाले पर्व त्योहारों में इसे ज़रूर बनाकर ट्राई कर सकते हैं। तो आइए घेवर को ट्राई करते हैं। ये देखिए कितना बढ़िया बना है, देखने में लग रहा है एकदम हलवाई वाला घेवर है। वैसे तो घेवर बनाना काफ़ी मुश्किल होता है, लेकिन अगर इस तरीके से बनाएंगे तो बहुत ही आसानी से झटपट घेवर बनकर तैयार हो जाएंगे और सब आपसे पूछेंगे कि कैसे बनाया है ये घेवर। उम्मीद करती हूँ दोस्तों ये रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। तो मिलते हैं एक ऐसी ही नई सी रेसिपी के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।